हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। फिंगर जॉइंट्स हो या फिर कोहनी या फिर घुटने, इनकी स्किन मोटी होती है। इस वजह से ये जल्दी काले पड़ जाते हैं और उनमें डेड सेल्स भी जमा हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको 3 ऐसे स्टेप बताएंगे जो इनके कालेपन को दूर करेगा। जॉइंट्स के कालापन को दूर करने के लिए हम अपने पहले स्टेप में आलू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं अपने उंगलियों के जॉइंट्स पे इसे कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने कोहनी पर या घुटने पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आलू के स्लाइसेस को रखा है, उसे लेंगे और इन्हें अपने जॉइंट्स पे रब करेंगे इस तरह से। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि कालेपन को दूर करती है। इसे 5 से 10 मिनट तक हम ऐसे ही अपने जॉइंट्स पर रब करते रहेंगे, ये क्लींजिंग का काम करता है। तो इसे एज ए क्लींजर हम अपने जॉइंट्स पर रब करते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने दूसरे स्टेप को करते हैं, वो है स्क्रबिंग। दूसरे स्टेप में हम स्क्रब बनाएंगे जिससे हम अपने जॉइंट्स को स्क्रब करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा और गुलाब जल। तो हम इसमें बेकिंग सोडा लेते हैं और फिर इसमें गुलाब जल मिलाते हैं। इसे मिलाते हैं। बेकिंग सोडा और गुलाब जल का ये स्क्रब तैयार हो गया है, तो हम इसे अपने जॉइंट्स पर स्क्रब करेंगे। इसे हल्के हाथों से हम अपने जॉइंट्स पर स्क्रब करेंगे। इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही स्क्रब करते रहेंगे। आप इसे अपने घुटनों पर भी कर सकते हैं या फिर अपने कोहनियों पे। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपना तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरे स्टेप में हम एक पैक बनाएंगे और इन्हें अपने जॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा और बेसन। इसमें हम बेसन लेंगे और इसमें हम इस अंडे के घोल को मिलाएंगे। यह हमारा पैक तैयार हो गया है, इन्हें हम अप्लाई करेंगे इस तरह से लेके अपने जॉइंट्स पे। हमने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसे सूखने तक ऐसे ही रहने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो इसे हम गुनगुने पानी से धो लेंगे। आप इन प्रोसेस को हफ्ते में 2 से 3 बार करें, आपके जॉइंट्स का कालापन दूर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।